हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए दो ऐसी ट्रिक्स लेकर आया हूँ जिससे आप WCC2 के लेटेस्ट वर्जन में फास्ट बॉलिंग से इजीली विकेट ले सकते हो। ट्रिक शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के अगर वीडियो में लाऊँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मेरे पास दो ट्रिक है, तो उसमें से हम नंबर एक ट्रिक शुरू करते हैं। इस ट्रिक में दोस्तों, हम एक बॉल जो करेंगे वो नो स्विंग रहेंगे, जो दूसरी बॉल रहेंगी वो आउट स्विंग रहेंगी। इस तरीके से हम इस ट्रिक में दो बॉलों का यूज़ करेंगे। दोस्तों, T20 मैच लेते हैं, फास्ट बॉलिंग से हमें बॉल करवाना है और साथ में हमें फील्डिंग पहले सेट करना है। फील्डिंग सेट करने में दोस्तों, जो फील्डर मैं प्लेस कर रहा हूँ अभी, वो फील्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फील्डर है। इसको प्रॉपरली प्लेस कीजिए। इस फील्डर को प्लेस करने के लिए दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिए कि जो बैट्समैन की क्रीज होती है, जो वाइट लाइन की, उसकी बिल्कुल बाजू में खड़ा रहे, और जब तक ये फील्डर ठीक से होना जाए प्लेस, तब तक किसी और फील्डर को प्लेस मत कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे प्लेस करना है। इस फील्डर के प्लेस होने के बाद में दोस्तों, आप दूसरे फील्डर्स को प्लेस कीजिए प्रॉपरली, वैसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रिक में जहाँ जहाँ बॉल जाएगी, बैट्समैन जब मारेगा बॉल को, जहाँ जहाँ बॉल जाएगी उस तरीके से ही मैंने इस फील्ड को प्लेस किया हो, तो आप भी वैसे ही फील्ड को प्लेस कीजिए। प्रॉपर फील्ड प्लेस हो जाने के बाद में दोस्तों, ट्रिक का पहला रूल ये है कि जब आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड का बैट्समैन आएगा, तो आपको अपने लेफ्ट हैंड तरफ से ही बॉल करना है, लेकिन नो स्विंग रखना है, पिच गुड लेंथ पे डालना है और लेंथ जो रहेंगे ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर। और ये देखिए, विकेट मिल गया। यही है दोस्तों इस ट्रिक के अंदर, कि आपको बैट्समैन से बॉल को जितना हो सके उतना दूर करवाना है विदाउट बॉल को वाइट बॉल किए। अगर बॉल वाइट बॉल हो जाएगा तो आपको विकेट नहीं मिलेगा। बॉल को ज़रूर आप बैट्समैन से दूर करवाइए, लेकिन केयर करके थोड़ा। अब राइट हैंड बैट्समैन आ गया तो हमारे राइट साइड से बॉल करेंगे, आउट स्विंग रख रहे हैं, फिर से बॉल को गुड लेंथ में पिच करेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को रखिए, और ये देखिए फिर से विकेट मिल गया। और दोस्तों, इस ट्रिक में ये भी बात का ख्याल रखिए कि आपको स्पीड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप स्पीड कैसी भी रख सकते हो, थोड़ी कम, मीडियम, ज़्यादा, इसमें स्पीड का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है स्पीड से। इस ट्रिक के अंदर फिर से राइट हैंड बैट्समैन है, हम राइट साइड से ही बॉल करेंगे, नो स्विंग रख रहे हैं बॉल को, और ये देखिए गुड लेंथ पे हम पिच करवा रहे हैं। और दोस्तों, इस ये देखिए दोस्तों, जहाँ हमने फील्ड को प्लेस किया था बराबर प्रॉपरली, वहीं पे बॉल गया कैच होने, तो फील्डिंग भी वैसे प्रॉपर प्लेस कीजिए जैसे मैंने किया हो। और दोस्तों, इसमें आप राइट हैंड बॉलर और लेफ्ट हैंड बॉलर के ऊपर भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि उनका भी एक एंगल बनता है जब आप उनको बॉल करवाते हो, तो उस बात का भी ख्याल रखिए। जिस तरीके से देखिए, ये लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, अब अगर ये इस तरीके से बॉल करेगा तो इसका ज़्यादा कोन बन के बॉल बाहर निकलेगा, इसी की बजाय अगर यहाँ राइट हैंड बॉलर रहता तो उसका उतना कोन नहीं बनता था बॉल का। तो ये भी बात का ख्याल रखिए थोड़ा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बॉलर का, कि कौन सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, उस हिसाब से भी बॉल को थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर और ऑफ स्टंप के थोड़े करीब रखिए। फिर दोस्तों, ये बता दूं कि जो बैट्समैन के पास जो फील्डर खड़ा है, अगर ये प्लेस होने के बाद भी अगर कैच नहीं ले रहा है, थोड़ा डर रहा है, तो दोस्तों इसकी थोड़ी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करके देखिए। अगर वो पोजीशन चेंज करने के बाद में कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है, तो दोस्तों उस फील्डर को किसी और फील्डर से रिप्लेस कीजिए। ऐसे करने पर भी वो फील्डर कैच लेना शुरू कर देता है। क्योंकि दोस्तों, और प्ले ख़त्म हो चुका है, ट्रिक नंबर दो की शुरुआत करना है, तो सबसे पहले हम फील्डिंग को सेट कर लेते हैं। फील्डिंग भी आप इसी तरीके से सेट कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, या आप स्लाइटली इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जहाँ आपका बैट्समैन बॉल मार रहा है, उस हिसाब से आप उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से मैं फील्ड प्लेस कर रहा हूँ, आप वैसा करें तो बेहतर है। अब इस ट्रिक नंबर दो में दोस्तों, हम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को हमारे राइट साइड से बॉल करेंगे, और इसी तरीके से नो स्विंग और आउट स्विंग दो ही बॉल करना है हमें इसमें भी। देखिए, और इसमें भी यही रूल है कि जितना दूर हो सके उतना दूर बैट्समैन से बॉल को रखिए, और जो नो स्विंग और आउट स्विंग बॉल है, ये कंटिन्यू चेंज करते रहिए, कभी नो स्विंग कीजिए, कभी आउट स्विंग। अभी राइट हैंडेड बैट्समैन है तो हमारे लेफ्ट साइड से बॉल करेंगे, आउट स्विंग बॉल रखे, देखिए ऑफ स्टंप से कितना दूर हमने बॉल को रखा था, और ये देखिए कैच हो गया। जब हम ट्रिक नंबर दो यूज करेंगे, जो अभी हम फिलहाल यूज कर रहे हैं, इसमें हम बॉल ऑफ स्टंप से बहुत दूर रखेंगे, जितना हो सके उतना दूर रखिए, तो बैट्समैन जब शॉट खेलेगा तो चांसेस है कि वो जो फील्डर हमने करीब रखा है बैट्समैन के, वो कैच पकड़ लिए। अब बॉल फिर से ऑफ स्टंप रखा है, ऑफ स्विंग रखा है, ये देखिए दोस्तों। इसमें भी दोस्तों थोड़ा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बॉलर का थोड़ा केयर कीजिए, क्योंकि
उसी का जो एंगल बनता है बॉल डालने के बाद, उस तरीके से ये ना हो कि वो बॉल वाइड हो जाए। फिर से वो ऑट स्विंग रखा है, गुड लेंथ पे बॉल है, ऑफ स्टंप के बहुत बार जहाँ ने फील्डर को प्लेस किया था, देखो दोस्तों वहाँ बिल्कुल उसने कैच पकड़ लिया। ये ट्रिक बहुत ही ईजी है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के बारे में अगर बात करें तो इसमें विकेट लेना बड़ा ही आसान है। बस आपको थोड़ा बहुत केयर करना है, रूल्स को समझना है इस ट्रिक्स के, और आप इजीली विकेट ले सकते हो। और इस ट्रिक का एक फ़ायदा यह है दोस्तों कि इस ट्रिक्स में ज़्यादा रन नहीं जाते। अगर आप प्रॉपरली फील्ड को प्लेस कीजिए, अगर आपको विकेट नहीं भी मिल रहा है तो आपके रन नहीं जाएंगे। और चूँकि दोस्तों आपने देखा होगा कि 100% स्किल्स होने के बाद भी मैंने स्पेशल डिलीवरीज का यूज़ नहीं किया। अगर मैं स्पेशल बॉल्स का यूज़ करता तो शायद मैं और ज़्यादा इफेक्टिव होता और जल्दी इनका विकेट ले पाता। लेकिन मुझे आपको ट्रिक्स बताना थी, इसलिए मैंने स्पेशल डिलीवरीज का यूज़ नहीं किया। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। अगर इस ट्रिक से लेकर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर ऐसी कोई वीडियो मिलाओ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।